आसपत्र मतलब जाना खेपे मिले बारे आसा तो दिन साक्षी गावानी बंदी वाड़ी चुकी बंदी वाड़ा महबूब गार्डन और इन लाख हजार के अंदर वाटर सप्लाई का इंतजाम हुआ और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो ट्रांसफार्मर का लग कई दिनों से बिल्डिंग था उसका भी नया ट्रांसफार्मर का जाएगा। मेरा छलनी के अंदर भी कई जगह पर सिविल लाइन का जो प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है वो भी तस्वीर दौरा करके बताया गया और उसके बाद मेरा छलनी के अंदर वाटर लाइन का भी हालिया में इफ्तिता हुआ था और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के कई पोल्स आयरन पोल्स थे उसको भी बताया गया और साथ ही साथ टोली चौकी से सात गुमस जो बड़ी जोन 3 के अंदर जो मास्टर लाइन डाली जा रही है उसके लिए भी ट्रैफिक ऐसी भी एक्सपेक्ट ट्रैफिक उन तमाम को बताकर और डोली चौकी से हकीमपेट सनावटर रोड जो बीच में बुलका पुनाला और उस्मान सागर का जो कांड टूटा रहा है उसके नीचे से टनल डालने के लिए तफसील बताएगा और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी सीवरेज के काम से उन तमाम के तमाम जगह पर काम की मुआयना किया जा रहा है, सर्वे किया कर लेवल लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ जहाँ पर भी काम चल रहा है वहाँ पर आवाम को थोड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है मगर बहुत बड़ा काम चल रहा है। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ जिस तरीके से टोली चौकी एमडी लाइन से लेकर कंपनी बाग से लेकर बगदाद कलनी लतीफिया मस्जिद कंपनी बाग इन इलाके जा के अंदर सिविल लाइन के बड़े काम चल रहे हैं। थोड़ा बहुत मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, जैसे काम होते हैं इंशाल्लाह तमाम के तमाम जो भी रोडों के ऊपर सिविल लाइन वाटर लाइन डाली जा रही है इन तमाम रोडों को मंजूर लिया गया है टेंडर प्रोसेस में। जैसे रोडों ये सिविल लाइन का काम होते हैं रोडों का भी काम मुकम्मल होगा। मैं समझता हूँ आज के दौरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अहदेदार और वाटर वर्क के प्रोजेक्ट के वाटर वर्क मेंटेनेंस के और GHMC के अहदेदार के साथ में तफसीली दौरा किया गया। शुक्रिया दौरे के अंदर नारायणगढ़ कॉरपोरेटर टोली चौकी कॉरपोरेटर गोलगुंडा लंगर हाउस के तमाम कॉरपोरेटर सदर मतमदीन एक्ट के वर्कर आज के दौरे में शामिल थे। शुक्रिया। डिवाइडर 20 सेंटर में